व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। जैसे मैं डेली बोलता हूँ आई होप यू आर डूइंग वेल, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आई होप यू ऑलवेज फाइंड ए रीजन टू स्माइल। देखिए, जरा सी देर में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग दुखी क्यों हो, आप लोग 300 रीजन बता देंगे कि हाँ इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी है और इसीलिए दुखी है। पर लेकिन अगर पूछे कि भैया खुश क्यों हो, तो बहुत कम रीजन देखने को मिलते हैं। आप लोग लाइफ में रीजन खोजना नहीं चाहते हैं अपनी खुशी के लिए। अगर आप लोग रीजन खोजने लगेंगे तो इतने सारे रीजन आप लोग अपने आसपास ही दिख जाएंगे, वो आप लोगों से अंदर से आप लोगों को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे, आप लोग खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं भगवत गीता का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी कि जैसा आप लोग देखोगे वैसी ही चीजें आप लोगों को दिखने लगेगी। एक गिलास में पानी है, जैसे बोला जाता है, एक इंसान बोल रहा है कि आधा भरा हुआ है, दूसरा बोल रहा है आधा खाली है। तो अगर आप लोग अपनी दृष्टि थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आप लोगों को चीजें अच्छी लगने लगी, आप लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ सब कुछ लाइफ बहुत आसान चल रही है, बहुत अच्छे से हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन नेगेटिव साइड अगर देखने स्टार्ट कर देंगे तो वही लाइफ एक तरीके से गटर बन जाएगी। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की लाइफ आप लोग जीना चाहते हैं। अगर आप लोग कोई लाइफ जी रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपको ही वो जीनी है और आपके हिसाब से ही वो लाइफ चलेगी। इसीलिए अपनी लाइफ अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, अपनी खुश रहने की जो चाबी है वो आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है एक सिटी के बारे में, ये है ओसाका। ये सिटी रिसेंटली अभी न्यूज में है, यहाँ पर एक मीटिंग भी होने वाली है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सी मीटिंग है और ये सिटी कौन सी कंट्री की है, ये सारी बातें आप लोगों को बताना है। अभी आप लोगों ने फिल्म्स का पेपर देखा होगा, कई सारी जगह के नाम पूछे जा रहे हैं, जैसे ओशियन के नाम पूछे जा रहे हैं, कौन सी कंट्री बाउंड्री टच कर रही है। तो मैप एक ऐसी चीज है, ये आप लोग रातों रात अलादीन का चिराग नहीं है, घिसेंगे तो एकदम आ जाएगा। जैसे मैं डेली आप लोगों को मैप दिखाता हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को जब कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आसपास के एरिया को जाकर निहारा कीजिए, इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए, चीजों को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आराम आराम से आप लोग इतने हैबिचुअल हो जाएंगे, आंख बंद कर मैप पर कहीं पर भी आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग वहां पर पॉइंट आउट कर दोगे कि ये सिटी वहां पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। बाकी शानदार हमारा डिस्कशन रहने वाला है और काफी कुछ यहां पर डिस्कस आज के डेट में हम लोग करने वाले हैं। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये पैटर्न हमारा है आज के डेट में डिस्कस का। मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे देखने को मिलती है ये क्वेश्चन वाली वीडियो, जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आज हिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, हिस्ट्री के क्वेश्चन खासकर जो हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हिंदू आप लोगों को यही है, नैनो मैगजीन 7 बजे मिलती है। और कल के लिए सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग नैनो मैगजीन बड़ा हो गया, कई सारे बच्चे बोले थे सर ऐसा मत करो, एक्चुअली टॉपिक ऐसे लगे थे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो कोई नहीं, किसी दिन थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए, तो 43 मिनट की वीडियो हो गई। वैसे नॉर्मली 30 मिनट की एयरफेयर में होती है, कोई नहीं, कभी कभी ज्यादा ही पढ़ लिया करो। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इतनी बड़ी मत बनाओ, अबे एक आध दिन तो ज्यादा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा ना कि हर दिन ऐसा होता है, कभी कभी हो जाती है चीजें, कुछ टॉपिक ज्यादा आगे तो कवर कर लिए, तो कोई नहीं चलता रहता है। ठीक है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ कल आप लोगों को फेसबुक पर भी मिल गई होगी, अब दोनों जगह से लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक से भी, और नीचे लिंक मिल जाता है टेलीग्राम का, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो जहां से कंफर्टेबल लगे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आइए जानते हैं क्या क्या आज हम लोगों को शानदार डिस्कस करना है। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बात की जा रही है जैसा को तैसा, यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो हमने भी टैरिफ इम्पोज कर दिए, डिटेल में जानेंगे क्या क्या बातें चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बीटी ब्रिंजल की बात की जा रही है, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। बिहार में लीची का प्रकोप, क्या लीची का प्रकोप है और क्या कंडीशन है और बच्चे क्यों फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम और क्या सोल्यूशन इसका निकल सकता था, डिटेल में आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट ये वाला बड़ा आर्टिकल यहाँ पर ड्राफ्ट इमिग्रेशन बिल के बारे में है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, अर्बेनाइजेशन की बात की जा रही है, आने वाले टाइम में सिटीज जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, अगर सिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हुई तो कैसे हम लोग चीजों को टैकल करेंगे। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी है यहाँ पर, खासकर म्यूनसिपैलिटीज का, तो उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। इसी के साथ में जो यहाँ पर नीचे वाला ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पर बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। बेसिकली बोला यह गया कि आज की डेट में हम लोगों को फॉलो करके चलने चाहिए बड़े प्लान, ना कि छोटे प्लान। हमारी गवर्नमेंट चुनकर आई तो 2-4 पॉइंट यहां पर है, नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल यहां पर फिर से बात कर रहा है, जो अभी रिसेंटली आसाम में बात कर रहे हैं, एक नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन के बारे में। देखिए, कई सारी प्रॉब्लम यहां पर घुमा फिरा के आ रही है, नैनो मैगजीन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया अभी ये आर्टिकल, यहां पर बात वही की जा रही है। देखिए, यहां पर कुछ क्लियरिटी नहीं है, एक साइड में तो आप लोग बोल रहे हैं कि आसाम में जो आप लोगों ने चल रहा है कि यहां कौन यहां पर इंडियन है, कौन फॉरेनर है, उसको आप लोगों को चेक करना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या इनका करने वाले हैं, क्या आप लोग बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्या इनको वहां पर ले जाना है, तो वो भी बात आप लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर यह कि आप लोग बात करते हैं एक साइड में कि हमारी कंट्री सेक्युलर है और रिलीजन के नाम पर आप लोग यहां पर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि बाहर की कंट्री से ये लोग यहां पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ में भी यहां पर ये सारी बातें जाती हैं। कई बार यहां पर ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं
अगर डॉक्यूमेंट में जरा सी प्रॉब्लम आ जा रही है उसकी वजह से भी आप लोग उसके ऊपर ये टैग लगा देते हैं कि हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर देख रही हैं कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो ये एक्टिविटी निकल कर आ रही है ये और ज़्यादा लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री को डिवाइड भी करेंगी और जो हिंदुत्व का जो फंडा लेकर आगे चला जा रहा है ये बिल्कुल गलत तरीका है। और नेहरू जी के बारे में थोड़ी बात की गई कि जो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए वो ना तो ओनली इकोनॉमी ओनली ना ही आप लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिक की बात की जा रही है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जहां पर दूसरों के ओपिनियन को भी सुना जाता है, सामने वाले की भी बात की जाती है। तो इस तरीके से यहां पर ये नहीं कि अपनी अपनी चलानी है, तो ये कुछ बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब चीजें हम लोग ऑलरेडी यहां पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिटीजन आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर, जो आसाम में ये चेक करने के लिए ला जा रहा है कि यहां पर 1971 की जो वार हुई थी उस टाइम पर कितने लोग बांग्लादेश से यहां पर आ गए थे। जब हम लोगों ने बांग्लादेश यानी कि जिसको उस टाइम पर आप लोग क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान को जो हम लोगों ने बांग्लादेश बना दिया 1971 की वॉर के टाइम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाया गया, उस टाइम पर बहुत सारे लोग यहां पर आसाम में आ गए थे, तो उन लोगों को चेक करने की बात की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दा है यहां पर जिसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ये आर्टिकल है यहां पर लीची के बारे में, लीची की वजह से कई सारे बच्चे सफर कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, क्या क्या कंडीशन है, एक बार जान लेते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। रिसेंटली अभी बिहार के अंदर शाही लीची को अभी GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा यहां पर दिया गया था, तो इसलिए ये काफी न्यूज में था। इसी के साथ में यहां पर कटरनी राइस, जर्दालू मैंगो और यहां पर ये है माघई पान, ये भी यहां पर GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक की कैटेगरी में यहां पर आते हैं बिहार के अंदर में, और शाही लीची को अभी ऐड किया गया है। तो इसलिए लीची से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या बातें हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी DIPP हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, जिसके द्वारा यहां पर जो अभी रिसेंटली नया लोगो इनवील किया गया है ये एक ट्राई कलर लोगो है। तीन कलर आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं और यहां पर जो तीन लोगो है इसी के साथ में यहां पर आप लोगों के सामने ये एक स्लोगन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अमूल्य भारत की, ये अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो लोगो और स्लोगन ये दोनों हैं, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी के द्वारा अभी ये स्लोगन और लोगो दिए गए हैं। अद्री चटर्जी के द्वारा दिया गया लोगो और यहां पर यह आकांक्षा त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है टैगलाइन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आसानी से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, हल्का सा आइडिया रखेगा। आखिर लोगो वगैरह देने की जरूरत क्या है, इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि ठप्पा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइज किया जा सके ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये GI टैग की कैटेगरी में आता है। तो ये तमाम पोर्शन आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, मुजफ्फर जी यहां पर मुजफ्फरपुर है बिहार का डिस्ट्रिक्ट जहां पर काफी लार्ज स्केल पर बच्चों की जान जा रही है। रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा बच्चों की जान गई और रीजन क्या बताया जा रहा है, रीजन ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम झेल रहे थे और जब खाली पेट लीची खा रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। तो इसकी वजह से 90 बच्चों की यहां पर जान चली गई, लो ब्लड शुगर लेवल यहां पर हो जा रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और देखिए जब लो ब्लड शुगर हो जा रहा है अगर टाइम पर यहां पर इनको जो सर्विस प्रोवाइड करानी है वो प्रोवाइड करा दी जाए तो आसानी से इसको बचाया जा सकता है, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाया यहां पर। एक आप लोगों को यहां पर ये वर्ड याद रखना है, मिथाइलिन साइक्लोप्रोफाइल ग्लाइसिन MCPG जिसको बोला जा रहा है, ये हाइड्रोग्लाइसिन के एक के नाम से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये नेचुरली लीची में पाया जाता है और ये एक टॉक्सिन यहां पर बोला जा रहा है। होता क्या है, इसकी वजह से मिस्टीरियस जो डेथ देखने को मिल रही है ये लार्ज स्केल पर 2017 में कंफर्म भी किया गया था, यानी कि ऑलरेडी यहां पर इसको 17 में कंफर्म भी कर दिया गया है। दो मेंबर की जो टीम थी उनके द्वारा यहां पर ये बातें भी बताई गई थी। इसके बाद भी लापरवाही बढ़ती जा रही है यहां पर, यानी कि आसानी से बच्चों को बचाया जा सकता था, बिहार गवर्नमेंट फेल हो गई है यहां पर अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, वरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उन बच्चों को आसानी से बचाया जा सकता था, जो 90 बच्चे आज के डेट में जिनकी जान जा चुकी है। और ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है, मान लीजिए किसी ने लीची खाई, लीची खाने के बाद में उसकी जिसके जो पेट में है ये MCPG जो ये टॉक्सिन है ये यहां पर पहुंच गया, अगर उस टाइम पर बच्चा खाली पेट पूरी रात रह जाता है तो ये पूरे उस पे कंट्रोल कर लेता है पूरी बॉडी पे उस तरीके से, तो वो आराम से चीजें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और इसी की वजह से ये जो बीमारी आ रही है ये पूरे दिमाग को कंट्रोल कर ले रही है, जिसको बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। ये एनसेफेलाइटिस एक तरीके से माइंड में स्वेलिंग लेके आती है, यानी कि दिमाग को एक तरीके से सूजन दिमाग में आ जाती है, जिसकी वजह से यहां पर ये बहुत सारी जान जा रही है। और मोस्टली जो कॉजेज है यहां पर इस केस के यहां पर जो वायरस निकल के आते हैं इसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। इसको एक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस के नाम से भी पुकारा जा रहा है और एक और नाम है इसका, ये भी आप लोग याद रखते हैं, इसको बोला जा रहा है एसेप्टिक एनकेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये दोनों इसी के नाम है, यहां पर इसी के नाम से पुकारा जाता है, या फिर एनसेफेलाइटिस भी इसको बोल जाता है। यहां पर इन्फ्लेमेशन आप लोगों को बीमारी यानी कि एक तरीके से दिमाग में सूजन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत तेज सर में दर्द और इसकी वजह से जान जा रही है
और लगभग 1 मिलियन के करीब केसेस यहां पर इंडिया में देखने को मिलते हैं, फ्यूअर देन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब हर साल यहां पर देखने को मिलते हैं, पर लेकिन बचाया जा रहा है लोगों को इसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन जो अभी निकल कर आ रही है। 2014 की अगर बात करें 74% जो सिख बच्चे थे यानी कि जो बीमार बच्चे थे उनको बचा लिया गया था इस सिचुएशन पर यहां पर कंडीशन से, क्योंकि उस टाइम पर यहां पर ये देखने को मिला कि किस तरीके से ये चीजें फॉलो करके चलनी है कि बच्चे को भूखा नहीं जाने देना है बेड में अगर जा रहा है, यानी कि अगर इस तरीके से कोई कंडीशन बन रही है एकदम क्या करना है बच्चों को कुछ खिलाइए ताकि जो वो पोलम है जो ये बीमारी यहां पर जो चल रही है बेसिकली जो यहां पर अभी हम लोगों ने बात की MCPG के बारे में, ये जो टॉक्सिन जो कंटेंट है ये बॉडी में बढ़ने से पहले आप लोग खाना खिला दीजिए उससे उसकी वजह से जो बच्चे के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है वो काफी कम हो जा रहा है। पर लेकिन यहां पर अभी क्या बात देखने को मिली, असलियत में जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं दे रहे हैं, यहां पर डॉक्टर कह रहे हैं कि हीट वेव की वजह से ये चीजें जा रही हैं, अलग अलग नई नई बातें बता रहे हैं जो चीजें असलियत में जिनके बारे में पता है कि प्रॉब्लम इनकी वजह से हो रही है वो प्रॉब्लम फॉलो करके नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि एक्यूट एनसेफेलाइटिस जो सिंड्रोम है उसकी से जो डेथ आ रही है वो काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और लीची जो टॉक्सिन लीची है यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जिस बच्चे ने खाली अगर भूखा चला गया तो एक तरीके से टॉक्सिन कंटेंट आ गया उसमें और पूरी बॉडी में फैलते हुए ये दिमाग पर कंट्रोल करेगी, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी और इसकी वजह से बच्चे की जान चली जाएगी। तो ये आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यहां पर ये बातें बोली गई हैं। आखिर दवाई क्या है फिर यहां पर इसको रोकने के लिए, तो यहां पर एक बात की जा रही है ये डेक्सट्रोज के बारे में। डेक्सट्रोज जो है यहां पर बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो हल्का सा याद रखिएगा डेक्सट्रोज ये सिंपली एक शुगर है जो कि यहां पर कॉर्न्स यानी कि मक्का जो आप लोगों ने भुट्टा वगैरह खाया होगा तो कॉर्न्स उनसे यहां पर ये बनाई जाती है, जो कि लो अगर यहां पर शुगर लेवल होता है बॉडी में तो ये इसकी मात्रा यहां पर दी जाती है। तो अगर ये मात्रा यहां पर दी जाए कुछ ऐसा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो अगर ये इसकी मात्रा यहां पर दी जाए तो लो शुगर लेवल जो रहा है जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उसको यहां पर कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि शुगर लेवल जो खत्म हो जा रहा है एकदम बिल्कुल कम हो जा रहा है जो ये कंडीशन देखने को मिले जिसकी वजह से कोमा में जा रहा है एक तरीके से और डेथ भी हो जा रही है इंसान की, इसको आसानी से यहां पर रोका जा सकता है। अगर जो अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जो अंडर नरिशमेंट जो बच्चे हैं जिनको ढंग से पोषण नहीं मिल पा रहा है, खाना पीना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, उनको आप लोग अगर ये तुरंत विद इन 1 आवर की अगर बात की जाए, देखिए 1 आवर को बोला जाता है गोल्डन आवर, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है अगर उस टाइम पर आप लोग कोई भी उस टाइम पर उस इंसान को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों की जान बचाई जा सकती है। पर लेकिन 1 घंटे से 4 घंटे के विदिन अगर यहां पर हम लोग ये डेक्सट्रोज अगर ये यहां पर हम लोग ये क्वांटिटी उसको दे दे रहे हैं तो आसानी से यहां पर जो इसका इंपैक्ट है जो ये लीची का जो इंपैक्ट यहां पर बॉडी में पड़ रहा है उसको हम लोग आसानी से कम कर सकते हैं। तो ये यहां पर नहीं किया गया, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो हीट वेव है और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ढंग से फॉलो नहीं की जा रही है और इसकी वजह से यहां पर ये बातें देखने को मिल रही है। कंप्लीटली स्टॉप भी किया जा सकता है यहां पर इस तरीके से इसको यूज करके, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी दे दी जा रही है तो इसको स्टॉप भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं बॉडी में जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो काफी कम हो जा रही है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो ये बीमारी है जो कि मस्तिष्क में विकृति क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से डेथ हो रही है ये आसानी से रोकी जा सकती है बड़े आसान तरीके से, पर लेकिन फेल हो गए यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए जो बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर ये बोला जा रहा है बेसिकली। और 2 बच्चों की डेथ तो तभी होगी जहां हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वहां पर उसी टाइम पर भी 2 बच्चों की डेथ हो गई, तो समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओके आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये सारी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट लीची के बारे में और ये जीआई टैग के बारे में। ओके और जीआई टैग के बारे में डिटेल में जो लेटेस्ट जीआई टैग है उसकी वीडियो बना रखी है स्पेशल, अगर चाहे तो सर्च कर आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा जीआई टैग बाय वीर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट जीआई टैग है उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के द्वारा यूएसए की 29 जो अमेरिकन सामान है उनके ऊपर टैरिफ लगाए गए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारी कंट्री के ऊपर काफी लंबे समय से यूएसए टैरिफ लगा रहा है। सबसे पहले स्टील के ऊपर लगाया गया, स्टील और आयरन एल्यूमिनियम के ऊपर, उस टाइम पर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हम लोगों ने भी उस टाइम पर बोला था कि टैरिफ लगाएंगे पर हम लोगों ने टैरिफ नहीं लगाए, सोचा कि बच्चा है थोड़ा बदतमीजा सुधर जाएगा आगे चलकर हम लोग देख लेंगे फिर, पर लेकिन बच्चा नहीं सुधरा और बच्चे ने हद पार कर दी। पहले टैरिफ लगाया उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो जीएसपी प्रिफरेंस के अंदर आते थे जिसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस बोला जाता है। हमारी कंट्री से अगर यूएसए में कोई प्रोडक्ट हम लोग बेचने जा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको प्रिफरेंस दिया जाता है डेवलपिंग कंट्री से, यानी कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा यूएसए के द्वारा। अब वो प्रोडक्ट भी हमारे यहां से निकाल दिया, लगभग 10% हमारी कंट्री का वो व्यापार और अलग से वहां पर उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा और यूएसए ऐसी हरकतें कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत दिनों से अभी यहां पर कोई भी रिटेलिएटरी मेजर नहीं लगाए थे, यानी कि वो जो भी कर रहे थे हम लोग उनको सहन कर रहे थे। कब तक थप्पड़ खाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि पलट के मारेंगे भी, वही गांधी जी वाली बात, एक साइड में एक मुंह करो एक थप्पड़ खा लो, दूसरी साइड में गाल करो दूसरे थप्पड़ खा लो। अब फिर आगे आ जाती है संजय दत्त वाली बात कि गांधी जी ने आगे तो बताया नहीं कि आगे क्या करना है, आगे फिर स्टार्ट हो जाओ, तो वही काम बेसिकली
यहां पर किया गया है, ठीक है। मुन्ना भाई मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो मैं बेसिकली है कि जब तक हम लोग सामने वाले के सामने शांत रहते हैं, सामने वाले से कमजोरी समझ लेता है, तो वो सारी चीजों को दूर करते हुए इंडिया ने भी क्या किया, यहां पर लगभग 220 से 290 मिलियन का जो वर्थ है इस पर यहां पर टैरिफ लगा दिया गया, और ये लगभग इक्वल है जो यूएसए ने लास्ट ईयर हमारे प्रोडक्ट पर लगाया था। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के द्वारा बदला लिया गया यूएसए से। अब देखने वाली बात यह है कि यूएसए और इंडिया क्या ट्रेड वॉर में जाते हैं, जैसे कि चाइना और यूएसए आज के डेट में चल रहे हैं। तो ये कई सारे मेजर प्रोडक्ट हैं, वॉलनट वगैरह, चिकपीज, इनके ऊपर हमारे द्वारा यहां पर ये अभी रिसेंटली मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग माइंड में रखिएगा। अब बातें करते हैं यूएसए के बारे में, देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से ये हो गया यूएसए, ये यूएसए मेनलैंड है, ये हो गया इसका अलास्का वाला रीजन, इसमें जो आज के डेट में करेंसी यूज होती है यूनाइटेड स्टेट डॉलर और वॉशिंगटन डीसी करेंसी, और ये यहां पर इसका वॉशिंगटन डीसी कैपिटल, और ये यहां पर इसका फ्लैग है यानी कि झंडा। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि अब हम लोगों ने भी ग्लव्स जो है वो पहन लिए हैं, ट्रेड को देखते हैं किस तरीके चीजें चलती हैं। 16 जून से हमारी कंट्री के द्वारा भी 29 प्रोडक्ट पर रिटेलिएटरी मेजर लगा लिया गया है। अभी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस विड्रॉ कर लिया गया, हमारे ऊपर काफी नुकसान लगा, लास्ट ईयर हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए उसका नुकसान हमको देखने को मिला। अब इंडिया ने भी सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब उसी के चलते यहां पर हम लोगों ने काफी सोचा, काफी समझा कि हाँ किस तरीके से चीजें शांत होनी है, पर लेकिन चीजें शांत नहीं हो पाई। और खासकर अभी हमारी कंट्री के द्वारा ओथ ली गई, हमारी नई गवर्नमेंट यहां पर आई है, नई गवर्नमेंट के द्वारा ओथ ली गई, और उसी टाइम पर यहां पर इनके द्वारा बदतमीजी कर दी गई, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाए थे, वो भी किस दिन, जब 1 जनवरी को, यानी कि लोग जो है अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खुश कैसे हो तुम, हम देखते हैं कैसे इतने खुश हो तुम, तो उनको दुखी कर दिया इन्होंने। तो इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा की जा रही है। तो अभी जो है यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा भी कुछ ऐसे ही स्टेप यहां पर उठाए गए हैं, और बेसिकली देखिए हरकतें क्या की जा रही है। ये यहां पर यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी थे हमारी कंट्री में आए, नाम था इनका विल्बुर रोस, इनके द्वारा बोला गया इंडिया जो है वो एक टैरिफ किंग है, यानी कि बहुत सारे टैरिफ हम लोग लगाते हैं और मार्केट में बाहर की कंट्री की जो कंपनी है उनको एक्सेस नहीं होने देते हैं। और कितना एक्सेस लोगे भैया, सारे प्रोडक्ट तुम्हारे यहां पर बेचे जा रहे हैं, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट ही कितने हैं मिला जुलाकर, और ऊपर से आप ये भी हरकतें कर रहे हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस वाला भी हरकतें कर रहे हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने आप करो तो सही है और हम करें तो गलत है। तो ये हरकतें देखने को मिल रही हैं, और इवन यहां पर थ्रेट दे दी हमारी कंट्री को आके, हमारी ही जमीन पर आके कॉन्सिक्वेंसी झेलने पड़ेंगे इंडिया को अगर इंडिया ऐसा ही कुछ करता रहा। तो मोदी जी ने बोला देखते हैं भैया हम क्या कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी बनाए गए हैं यहां पर एस जयशंकर, और इसी के साथ में कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी के पास में। तो अभी बात यह है कि हम लोगों ने यह बोला कि कब तक यहां पर इनसे दबते रहेंगे, अब हम भी कुछ स्टेप उठाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए ना सामने वाले को कि बल प्रयोग अगर आप लोग करेंगे तो हम भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, अंग्रेजों वाला जमाना गया कि आप लोग जो भी करते रहेंगे हम लोग चुप रहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने भी रिटेलिएटरी मेजर लिया, और अभी आगे देखने वाली बात यहां पर होगी क्या कंडीशन बनने वाली है। इवन चाइना यहां पर क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि नेक्स्ट इकोनॉमिक टेररिज्म चल रहा है यूएसए का, जिसके ऊपर चाहता है टैरिफ लगा देता है, जिसके ऊपर चाहता है टैरिफ हटा लेता है, अपने हिसाब से काम लेके चल रहा है, कंट्री को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, एक टेररिज्म चल रहा है, एक तरीके से इकोनॉमिक टेररिज्म जिसको बोला जा रहा है यहां पर। और देखिए ट्रेड की अगर बात करते हैं ना, आप लोग हट्टा में हर समय ये बात नहीं करेंगे कि जीरो सम गेम होना चाहिए, यानी कि जितना आप लोगों को सामने वाली कंट्री से प्रॉफिट हो रहा है, जितना आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, जितना आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उतने आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीजें हर एक कंट्री के साथ में आप लोग इंप्लीमेंट कर नहीं चल सकते। और यूएसए का यही फंडा आज के डेट में बन चुका है, अपनी कंट्री का जिसकी कंट्री के साथ में डेफिसिट है उस कंट्री के साथ में वो ये हरकतें करता हुआ आज के डेट में नजर आ रहा है। तो ये गलत तरीका है चीजों को आप लोगों को हैंडल करने का। और इसी के साथ में यूएसए देखिए बेसिकली बोलता क्या है, हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया, डेटा लोकलाइजेशन की बात की, मतलब अगर मान लीजिए फेसबुक से थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो हम लोग अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यूएसए से जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भैया हम लोग को ये डेटा प्रोवाइड करा दो, इस इंसान ने हरकतें की हैं, हम लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने ये बोला डेटा को लोकलाइज कर दो, कम से कम हमारी कंट्री का डेटा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग को दूसरे के सामने जाकर हाथ न फैलाने पड़े, अपनी कंट्री का डेटा अपने पास रखेंगे भैया हम लोग, आप भी कॉपी रख लो, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ये यहां पर हरकतें इनको अच्छी नहीं लगी। इसी के साथ में न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी आ गई, ये क्या है, अमेजन आज के डेट में कुछ भी प्रोडक्ट आप लोग खरीद लो वहां पर सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू अगर लोकल दुकान पर आप लोग जाकर खरीदते हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे जो दुकान वाले हैं, इनकी काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, कोई भी दुकान पर सामान लेने जाता है बोलता है ऑनलाइन तो यार सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन क्यों सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन इसलिए सस्ता मिल रहा है क्योंकि वो नुकसान उठाकर एक एरिया में नुकसान उठा रहे हैं, दूसरे एरिया में प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं
मान लीजिए कोई एक नई दुकान खोली गई किसी मोहल्ले में, ठीक है, और ये जो जिसने ये दुकान खोली है इसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी दुकान है किसी दूसरे मोहल्ले में, और ये जो दुकान खोली गई है इस प्रोडक्ट की दुकान यहाँ पर इस मोहल्ले में कई सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, तो ये क्या करेगा, इतना सस्ता सामान बेचना स्टार्ट कर देगा ताकि ये सारे जो दुकान वाले हैं ये यहाँ पर बर्बाद हो जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये होगा जो यहाँ पर नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उससे कर देगा, कुछ टाइम बाद ये मार्केट से खत्म हो जाएंगे, फिर अपनी दादागिरी दिखाएगा। तो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कई सारी कंपनीज के द्वारा, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये हरकतें की। तो यहाँ पर यूएसए बोला है कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो इरिटेट हो गए। अब देखने वाली बात यह है मेक पोम्पियो जो स्टेट सेक्रेटरी है यूएसए के हमारी कंट्री में आने वाले हैं, किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाएगा और कितना हम लोग यहाँ पर चीजों को सही तरीके से लेकर चल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ओके, तो ये आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल हैं, अलग अलग गोल हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट गोल हैं। बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि देखिए अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट चुनकर आई है तो उसको शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी 2020 कैसे आप लोग गोल बना सकते हैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन का, तो उसमें आप लोगों को शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनाने पूरे साल का, यानी कि पूरे साल का एक पूरा खाका तैयार करना है, उसके बाद में उसको स्टेप में डिवाइड करना है, तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के बारे में बोला गया है कि पहले आप लोग लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे इसको फॉलो करना है, यानी कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ आप लोग यहां पर लेकर चलेंगे अगर आप लोग यहां पर शॉर्ट टर्म अपना आइडिया रखेंगे। आप लोगों को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से काम करना चाहिए, इस तरीके से आप लोग चीजों को हैंडल कर पाएंगे और इस तरीके से आप लोग जो भी यहां पर सोसाइटल या फिर इन्वायरमेंटल गैप है उनको भी कंप्लीट कर पाएंगे और जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो पॉलिसी है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, आप लोगों को भी ऐसे ही देखकर फोकस करके चलना पड़ेगा। इंपैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, करप्शन का काफी बड़ा मुद्दा है, लीकेज जो भी होती है, खासकर जो भी यहां पर आज के डेट में हम सोशल सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए किसी को खाना देना है, किसी को खाद देना है, किसी को दवाइयां देनी है, तो बीच में ही गायब हो जाती हैं, तो किस तरीके से आप लोग करप्शन को कम कर सकते हैं। एनवायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है खासकर उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट गरीबों के ऊपर पड़ता है, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं वो फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 1977 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था या फिर 2007-08 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आप लोगों को देखने को मिला था जिसमें बोला गया कि रिसेशन आ गया है, रिसेशन का मतलब कि हां भैया जॉब जा रही है लोगों की, कंपनी में से लोगों को निकाला जा रहा है, तो उस टाइम पर भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट गरीबों के ऊपर ही पड़ता था। तो ये जो इस तरीके की पहेली है यहाँ पर, तीन तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। एक तो बोल रहे हैं कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उसको इवैल्यूएट कीजिए, दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए, क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन कीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक एक करके देखते हैं। इंपैक्ट इवैल्यूएशन की बात की जा रही है, देखिए अगर मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे गुजरात में काफी अच्छे लेवल पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई, तो इससे काफी अच्छा लेवल देखने को मिलता है। बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, बच्चे पढ़ पाते हैं आराम से, घर का काम भी अच्छे से हो सकता है, मेंटेनल हेल्थ की बात की जाती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इंपैक्ट इवैल्यूएशन आप लोगों को करना है कि किसी एरिया में अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो किस तरीके से वहां पर फायदा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है बेसिकली, अगर आप लोग कुछ पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप लोग यहां पर देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये लेक्चर ले रहा हूँ, अगर ये लेक्चर मान लीजिए यहाँ पर 40-45 मिनट का आप लोगों के सामने आता है, इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से सुनने के बाद में अगर आप लोगों को फायदा यहाँ पर हो रहा है और दूसरी साइड में आप लोग 3-4 घंटे लगाकर भी इतनी चीजें कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट क्या है यहाँ पर, आप लोगों को कम कॉस्ट देने पर यानी कि कम टाइम लगने पर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये एनालिसिस करना जरूरी है। इंडियन ईयर बुक पूरी पढ़कर चले जाओ, क्वेश्चन आए उसमें से दो, उसमें से क्या मतलब हो गया इंडियन ईयर बुक पढ़ने का, पूरी का इतनी मोटी बुक है वो, तो करना क्या है, इसकी वजह से आप लोग दूसरा ऐसा पोर्शन पढ़िए ना जहां से लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, कम भी पतला है और अच्छे से उसको रिवीजन करके जाइए, प्रीलिम्स से भी फायदा पहुंचाएगा, मेंस से भी फायदा पहुंचाएगा, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है आप लोगों को, जहां पर जो भी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं कितना उसका फायदा आ रहा है, क्या उतना फायदा आ रहा है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बेस इवैल्यूएशन करना है, यानी कि आप लोग बिल्कुल एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अभी साइक्लोन आया, तो साइक्लोन आया फोनी अभी आप लोगों को देखने को मिला और दूसरा साइक्लोन अभी गुजरात में देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही एक वीडियो बनाई थी जो डिस्कस वहां पर क्या किया गया। देखिए आप लोग करंट के साथ में वहां पर जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो कवर कर साइक्लोन बनता कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें वहां पर डिस्कस की गई है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली जो भी एग्जाम आप लोग के आ रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन अभी कई सारे आ चुके हैं और काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एरिया में देखने को मिला है, तो क्वेश्चन बने तो देख लीजिएगा। तो स्पेशल वीडियो आई आप लोगों की कल, उसको जाकर आप लोग देखते हैं कैसे साइक्लोन बनता है,
क्या कंडीशन है साइक्लोन की, क्या क्या काम किए जाते हैं, आखिर कौन कौन सी सिचुएशन है बे बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, वो सारी बातें वहां पर डिस्कस की गई थी। अगर किसी को डाउट है इन सब में तो क्लियर आप लोग डाउट कर सकते हैं। तो यहां पर वार्निंग देना एक तरीके से लोगों को बचा लिया गया, तो ऑब्जेक्टिव एक तरीके से ऐसा इवेल्युएट करना एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया जा रहा है, तो तभी यहां पर सोल्यूशन आप लोग ढंग से इसका कर पाएंगे। इंडिया की अगर रैंक की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ह्यूमन अगर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो 189 कंट्री में से 130 हमारी रैंक है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें हमारी कंट्री में, अगर देखेंगे आप लोग यहां पर ये बात की जा रही है जेंडर गैप के बारे में, तो 142 कंट्री में से 114 हमारी रैंक है, तो ये भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 बड़ी सिटी का नाम लिया जाए जिसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 22 सिटी उसमें हमारी है, तो समझ सकते हैं मतलब 30 में से 22 सिटी हमारी है जहां पर एयर पोल्यूशन है, तो क्या कंडीशन है आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर काफी जरूरी है एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, और आप लोगों को स्मार्ट कंपोनेंट यहां पर लेकर चलना पड़ेगा, कैसे आप लोग चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग एरिया लेकर चल रहे हैं जिसको आप लोग ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो फंड कर रहा है दिल्ली मेट्रो, तो यहां पर आप लोग देखते हैं दिल्ली मेट्रो काफी अच्छे लेवल पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपैक्ट डाला है। दिल्ली मेट्रो में अलग से आप लोगों जो लेडीज कोच देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी कम यहां पर जो CO2 एमिशन हो रहा है जितनी जनता को लेकर मेट्रो चल रही है उसके तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से आप लोग फोकस करके चलो, ना कि शॉर्ट टर्म जैसे इलेक्शन आते हैं ना कि आप लोग छोटे छोटे गोल बना लेते हो बस इलेक्शन जीतना है, तो अपना जो फोकस करो वो थोड़ा बड़ा फोकस करो और एनालिसिस करो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और ये सेक्टर में कुछ ज्यादा ही फोकस आप लोगों का होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बेसिकली यहां पर ये बात कर रहे हैं कि आज की डेट में जो सिटीज हैं वो सिटीज जो है काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालने वाली है आने वाले टाइम में। ग्लोबल मेट्रो मॉनिटर 2018 की जो रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि 36% जो इंप्लॉयमेंट ग्रोथ है और 67% जो GDP ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे यहां पर 300 जो लार्ज सिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में उनसे यहां पर निकल कर आएगी। और इसी के चलते जो UK ने अपना मॉडल सिटी का प्रोजेक्ट लेकर आया है उससे हम लोग सीखकर अपनी कंट्री में भी ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी कंट्री को भी हम लोग सही डायरेक्शन में अर्बन जो खासकर सिटीज हैं उनका पोटेंशियल कितना अच्छा है उससे हम लोग काफी कुछ निकाल कर ला सकते हैं। फिर से शॉर्ट भाषा में समझा देता हूं ताकि आप लोग आंसर लिख सकें, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं उन पर हम लोग को फोकस देकर चलना है ताकि उनमें जो डेवलपमेंट होता है उसके बेस पर हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर चल सकें और अपनी कंट्री को आगे लेकर चलेंगे वहीं से हमारा GDP ग्रोथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आएगा। तो कैसे अपनी सिटीज को हम लोग को डेवलप करना है वो यूके के मॉडल से हम लोग सीख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में क्या क्या बातें की जा रही है। आज की डेट में हमारी जो सिटीज हैं वो अलग तरीके से बसाई जा रही हैं, ज्यादा अच्छे लेवल पर वहां पर डेवलप नहीं किया जा रहा, काफी बड़ी ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो उनके डेवलपमेंट में फोकस देना है और खासकर यूके का मॉडल आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो क्या क्या बातें की जा रही है, अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि 36% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और 67% GDP ग्रोथ सिटीज से आने वाला है आने वाले टाइम पे। जो यहां पर ये मेगा सिटी है मेट्रोपोलिटन जो सिटी है ये यहां पर बेसिकली एक तरीके से आने वाले टाइम में बहुत लार्ज स्केल पर हाई लेवल इकोनॉमिक फंक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और इंडिया में भी ये बोला जा रहा है आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की जो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में भी जो सिटीज हैं वो बड़ी होने वाली हैं और इसके ऊपर भी हम लोगों को भी फोकस देकर चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर बात करें हम अपनी कंट्री की यहां पर, तो आज की डेट में 9 सिटीज हमारी हैं टॉप 150 सिटीज में। 2030 तक ये बोला जा रहा है कि 71 सिटीज हमारी होंगी जिसमें मोर देन 10 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 1 करोड़ के ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन होगी आने वाले टाइम में, तो 71 सिटीज ऐसी हमारी होंगी। तो कैसे आप लोग इन सिटीज को लेकर चल सकते हैं, इंडिया का अर्बनाइजेशन कैसे आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो फ्यूल इंजन जो ग्रोथ होगा वो सिटी होगी, वहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि सिटीज बहुत लार्ज स्केल पर आगे बढ़ने वाली है। तो जब सिटीज आगे बढ़ने वाली है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर काम में आती है, जो खासकर जो आज की डेट में हमारी कंट्री में एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती लेवल देखेंगे गांव वाले एरिया में और यहां पर शहरी वाले एरिया में जाएंगे आप लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। तो आर्टिकल 243P का जो सी पार्ट है यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया कैसा होना चाहिए। तो वो कैसा एरिया होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। बाकी उसमें एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया ही होगा, 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, कई सारी म्युनिसिपैलिटी पंचायत भी उसके अंदर में आ सकती है, या फिर जो गवर्नर के द्वारा नोटिफाई किया जाए कि ये एरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप गवर्नर नोटिफाई करेगा यहां पर, ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। ये डेफिनेशन है हमारे संविधान में मेट्रोपॉलिटन एरिया की, यानी कि मल्टी म्युनिसिपैलिटी और मल्टी डिस्ट्रिक्ट आकर यहां पर एक ऐसी मेट्रोपॉलिटन एंटिटी आएगी जिसको प्लान किया जाएगा यहां पर, जिसके ऊपर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा यहां पर, यह है मेट्रोपॉलिटन
प्लानिंग कमिटी, ये प्लान करेगी कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर चीजें लेकर चलनी है और सेंटर स्टेट के द्वारा जो भी यहाँ पर डायरेक्शन दी जाएगी कि डेवलपमेंट कैसे होना है, उस डेवलपमेंट को फोकस कर चला जाएगा। ये जो डेवलपमेंट रहेगा यहाँ पर, ये डेमोक्रेटिक चार्टर को फॉलो करेगा। यहाँ पर मेंबर जो रहेंगे वो 2/3 मेंबर यहाँ पर इलेक्टेड रहेंगे और इस तरीके से यहाँ पर अपने अपने रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। साइज के मैनर में स्टेट को अलग अलग तरीके से यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से स्टेट को यहाँ पर पावर दे रखी है कि कैसे आप लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। स्टेट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, एक तरीके से स्टेट यहाँ पर अपने हिसाब से भी फ्रेम कर सकता है चीजों को। तो ये यहाँ पर बातें की जा रही है। अगर बात करें एमपीसी की मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं इनके बारे में, जो यहाँ पर बेसिकली जो काम करने वाली बात है यहाँ पर, यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जो कमिटी है, ये एमपीसी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, ये जो है इसके बारे में जो बात की जा रही है, ये यहाँ पर ये है कि ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाएगी और उसके बेस पर चीजों को फोकस करके चला जाएगा। पर लेकिन अगर अभी सर्वे की बात करें यहाँ पर, जो सर्वे है यहाँ पर, ये सर्वे है यहाँ पर ASICS, तो ये क्या है यहाँ पर, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। इसके द्वारा यहाँ पर ये पाया गया ओनली 18 में से 9 जो ऐसी हैं हमारी कंट्री में जो एक कॉन्स्टिट्यूट आज के डेट में की गई है, जो कि यहाँ पर ये सर्वे के द्वारा बता रहा है एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। यानी कि करनी तो 18 सिटीज में थी, पर लेकिन अभी रिसेंटली ओनली 8 में देखने को मिल रही है और जनाग्रह के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे तैयार किया जाता है। हमारी कंट्री में जो पोलम है यहाँ पर बेसिकली जो ये बनाई गई है अभी एमपीसी, ये भी ढंग से काम नहीं कर रही है यहाँ पर, उनके फंक्शन अच्छे नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चनेबल काम यहाँ पर हो रहा है उसको ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। सिटी डील प्रोजेक्ट हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से हम लोग क्या करना है, अपना जो इकोनॉमिक एरिया है उसको ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा अपनी सिटीज को। और यूके का जो सिटी डील प्रोजेक्ट है, यूके का सिटी डील प्रोजेक्ट याद रखिएगा, उसके बेस पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या, बेसिकली कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है, यानी कि कॉम्पिटेटिव अप्रोच लेकर यहाँ पर ये चल रहे हैं। जो ऑथोरिटी है उसको एक तरीके से कंपटीशन में ला दिया जा रहा है, एक तरीके से कि हाँ वो नहीं होता है कि टारगेट बेस अप्रोच लेकर चलना, इस तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है यहां पर यूके की, वो सिटी इकोनॉमिक रीजन जो है यहां पर, उसके साथ में मिलकर काम कर रही है और कंपटीशन पॉलिसी स्टाइल में अप्रोच यहां पर लेकर चल रही है। होता क्या है, बेसिकली जो सिटी इकोनॉमिक जो रीजन है, ये कंबाइंड अथॉरिटी है जिसमें नेशनल लेजिस्लेशन और इसी के साथ में टू और मोर जो काउंसिल है वो कोलैबोरेट करकर यहां पर डिसीजन लेगी और डायरेक्ट मेयर के साथ में कॉन्टैक्ट यहां पर रहेगा, यानी कि जो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा यहां पर मेयर के साथ में यहां पर कनेक्शन रहेगा। एक तरीके से लोकल एरिया में एक यूनिट ऐसी बना दी गई जिसको एक काम दे दिया गया कि आप लोगों ये पूरा काम कर चलना है, वहां पर डेवलपमेंट कैसे करना है, जॉब कैसे आनी है, प्रोस्पेरिटी कैसे आनी है। तो एक पूरी एक काउंसिल बना दी, जैसे कैबिनेट काउंसिल होती है यहां पर ऊपर लेवल पर, यानी कि जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है, आप लोग उसी तरीके से यहां पर लोकल एरिया पर एक काउंसिल बना दी और ये सिटी डील प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया। ये यहां पर फोकस करेंगे कितना इकोनॉमिक बजट है इनके पास में, ऑटोनॉमी रहेगी, ये उसको डिसाइड करेंगे, ये इसको एस्टेब्लिश करेंगे। और ऐसे 9 कंबाइंड अथॉरिटी यूके में देखने को मिल रही है जो कि अलग अलग एरिया में एक क्लस्टर अप्रोच लेकर चल रही है। तो हम भी इसी तरीके का यहां पर ऑटोनॉमस दे सकते हैं अपने इस तरीके के एरिया को। हमारी कंट्री में क्या होता है, सेंटर सोचता है राज्य को पावर ना दे, राज्य सोचता है नीचे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पावर ना दे और उनके पास में पैसा भी नहीं रहता है, तो वो कहां से काम कर ले। सिटी डील प्रोजेक्ट में बेसिकली जो एक तरीके से फेडरलिज्म सिस्टम को फोकस करके चल रहा है और ग्राउंड लेवल पर उनको एक टारगेट दिया गया कि आप लोगों को कंप्लीट करना है। चाइना में भी फॉलो करके कुछ ऐसे चला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो करके ऐसे चला जा रहा है, अलग अलग एरिया बना रहे हैं। तो हमारी कंट्री में भी हम लोग फॉलो कर यहां पर चल सकते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर, क्योंकि फ्यूचर में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, मोबिलिटी, हाउसिंग या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारी प्रॉब्लम लेकर कर आएंगे जिनको आप लोगों को झेलना है। और अगर आप लोग यहां पर ये अभी आज के डे में अपॉर्चुनिटी है, सिटीज बढ़ रही है, इन पर फोकस देकर नहीं चलेंगे तो आगे और प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी जो है अभी चैलेंज भी है, यानी कि अभी अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, दोनों अगर आप लोग टैकल करके चलेंगे तो यूके से सीख सकते हैं, अपनी कंट्री में भी आप लोग ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, बेसिकली यहां पर जो राज्य के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे ताकि सारे राज्य यहां पर तैयार हो जाएं। ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2018 एक ऐसा ही पैटर्न है जैसा अभी यूके के बारे में हम लोगों ने बात की, यूके सिटी डील वाला प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के द्वारा, हालांकि अभी ये बिल है, अभी ये लॉ नहीं बना है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन इसी तरीके के पैटर्न पर हम लोग फॉलो कर चीजों को सीख कर अपनी दूसरी सिटी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि ऑटोनॉमी दी जाए, नीचे वाले रीजन को टारगेट दिया जाए, कंपटीशन यहां पर लाया जाए ताकि सिटी को डेवलप कैसे करना है, ग्रोथ कैसे लेके आनी है, जीडीपी कैसे बढ़ानी है, अच्छी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करानी है, ये पर्टिकुलर एरिया में उनको द्वारा खुद से डिसाइड करने दो, बस आप लोग उनको फंड प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब आप लोग की समझ में आ गया होगा, अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहा है बीटी ब्रिंजल के बारे में। बीटी ब्रिंजल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, जैसे आप लोग बीटी कॉटन की बात करते हैं। होता क्या है यहां पर, बेसिकली ये है बैक्टीरियम बेसिलियस थ्रिजेंसिस। ठीक है, तो ये एक तरीका बैक्टीरिया जिसको आप लोग यहां पर बीटी बोलते हैं ना आगे चल के, जिसको बीटी ब्रिंजल आप लोगों ने बोल दिया, तो ये पूरा नाम है उसका। ठीक है,
तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, ये यहां पर ये CRY1AC ये प्रोटीन जीन यहां पर ऐड किया जाता है जो कि यहां पर इस तरीके की कैटेगरी क्रिएट कर देता है ताकि वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, एक तरीके से कम पानी की जरूरत पड़े, कम खाद की जरूरत पड़े, एक ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यहां पर बनाकर सामने लेकर आता है। पर लेकिन हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी एक इश्यू निकल कर आया, बीटी ब्रिंजल जो है हरियाणा में इलीगल तरीके से कुछ किसानों ने उगा लिया और इलीगल तरीके से जो उगाया गया यहां पर वो अब तक अलाउ नहीं कर रखा था। हमारी कंट्री में एक मॉरिटोरियम है, रोक लगाई गई 2010 में कि बीटी ब्रिंजल नहीं उगाना है, और ये उस टाइम पर जयराम रमेश हमारी कंट्री के जो उस टाइम पर एनवायरमेंट मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये रोक लगाई गई थी। हालांकि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो कि एपेक्स यानी कि टॉप बॉडी है यहां पर इसको डिसाइड करने के लिए, उसने बोल दिया था कि आप लोग इसको उगा सकते हैं, पर लेकिन जयराम रमेश जी ने यहां पर इसको फोकस देकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, रोक दिया। तो इंडियन कंपनी माइको जो कि यहां पर महाराष्ट्र में है उसके द्वारा, या फिर यहां पर बात की जा रही है मोनसेंटो जो कि यूएसए की कंपनी है, इसके 26 स्टेक हैं। तो ये अलग अलग अपने अपने डिफरेंट विचार दे रहे हैं। पर हमारी कंट्री में क्या बात की जा रही है बेसिकली, देखिए ये सारा जो आर्टिकल है पूरा पीपीटी आप लोगों के सामने है, हमारी कंट्री में ये इंपैक्ट क्या क्या है, इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर और फार्मर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री जो कि उस टाइम पर थी जयराम रमेश जी के द्वारा और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सबने यहां पर बोला गया कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी है किसानों के जरा से फायदे के लिए। आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम काफी कुछ यहां पर देखने को मिल सकती है, तो इसको आप लोग कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक या पॉलिसी रिसर्च की बात करें, इन्होंने भी बोला आज के दिन बीटी ब्रिंजल जो है वो जो प्राइस तो यहां पर खासकर कम कर सकता है एक तरीके से मार्केट में। किसानों के बारे में अगर सोचा जाए तो देखिए कहीं ना कहीं जो अवेलेबल ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो किसानों के लिए प्राइस कम होगा, तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बता दो ना, पैदावार ज्यादा हो जाए तो प्राइस कम हो जाए, और पैदावार कम हो जाए तो किसान वैसे ही मर जाता है, तो दोनों कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। अब सिचुएशन यह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कई प्रोफेसर के द्वारा बोला गया सपोर्ट करो, कई सारे लोगों को द्वारा बोला गया कि यहां पर सपोर्ट नहीं करना है। तो इसी तरीके से जो माधव गडगिल जिनकी कमेटी की रिपोर्ट की गई थी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की डायवर्सिटी को खत्म करेगा, जीएम क्रॉप जो हमारी कंट्री की लोकल क्रॉप है उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी सेटअप की गई उसके भी द्वारा भी कुछ ऐसी बातें बोली गई कि ये सही तरीका नहीं है, इसको आप लोग इंप्लीमेंट मत कीजिए। इसी के साथ में कई सारे न्यूट्रिशन के इशू बोला गया, बीटी ब्रिंजल और यहां पर जो और जो जो हमारा ऑर्डिनरी ब्रिंजल है उसमें कंपेयर करके और भी कई सारे हेल्थ के रिस्क की यहां पर बात की गई। एम एस स्वामी रत्नाथन की बात की जाए, हम अगर आप लोग बात करें जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है हमारी कंट्री में, और एक तरीके से इनके द्वारा भी, और इसी के साथ में VM काटकोच ये है इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं काटोच, तो इन दोनों के द्वारा बोला गया बेसिकली हमारी कंट्री में ये अभी रिसेंटली कोई ढंग से इसके ऊपर स्टडी नहीं की गई है, और इसी के साथ में ये बोला गया कि आप लोगों को बताना है कि क्या आगे लेकर चलना है। तो बीटी ब्रिंजल को इन्होंने भी एक तरीके से बोला गया कि टॉक्सिक है यहां पर लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग इसको देखेंगे, यानी कि जहरीला है, आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है, ये एक इंडिपेंडेंट आप लोग कमीशन बनाइए, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए, वो देखेगा यहां पर कि इसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। डेटा लीजिए यहां पर एक ही पर्टिकुलर एजेंसी का नहीं, अलग अलग से डेटा लेकर आओ, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर बात करें केरला और उत्तराखंड के द्वारा भी बैन करने की बात की गई थी बीटी ब्रिंजल को। इसी के साथ में चाहे आप लोग बात कर ले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर एंड द कमेटी ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा भी यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी को अलग अलग तरीके से यहां पर देखा गया। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें अलग अलग तरीके से जो भी यहां पर रेगुलेटरीज निकल कर आई हैं, कुछ लोग तो देखिए घुमा फिरा के एक बात बोल रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट कर दो, कुछ कह रहे हैं इंप्लीमेंट मत करो। अब दोनों में आप लोग समझ सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा भी रिसेंटली अभी इसी के ऊपर लेबलिंग रूल की बात की गई, फूड जो होना चाहिए वो एक अच्छा मिलना चाहिए इंसानों को। अब बेचने की बात कौन करेगा जिनको प्रॉफिट हो रहा है, और ना बेचने की बात कौन करेगा इस तरीके से जो जनता के बारे में सोच रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट, क्योंकि नुकसान होगा तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना वहां पर। तो जो प्रॉफिट करने वाले हैं वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं कि बेचो, पर लेकिन दूसरे लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो जब तक ये मॉरिटोरियम है, जब तक ये रोक लगा सकती है, वो देखा जाए साइंटिफिक है या नहीं है वो बात की बात है, जो भी आज के में गहरी गलत फहमी है उसको आप लोगों को दूर करना है सबसे पहले। बाकी बीटी कॉटन जब उगाने की बात की गई यहां पर, तो वो एक तरीके से रजिस्ट करने लगा जो यहां पर पेस्ट जो एक तरीके कीट पतंगे थे उसके लिए दवाई छिड़कने लगे लोग खेतों में, तो 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो ये प्रॉब्लम भी यहां पर देखने को मिली। हालांकि बांग्लादेश में उगाया जा रहा है, पर लेकिन बांग्लादेश के बेस पर हम अपनी कंट्री में तो नहीं बोल सकते इसको उगा सकते हैं, अपनी कंट्री में हम लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगी, उसको हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एड्रेस करना है इशू, तो पहले आप लोग ढंग से देखिए 2010 में ये बैन लगाया गया था, 2019 में खड़े हुए हैं, लगभग एक डेकेड पूरा हो चुका है, तो ढंग से देखिए क्या सही है क्या गलत है, कहां कहां पर क्या कंट्रोवर्सी है, उनके ऊपर एनालिसिस कीजिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लाइए, उसके बाद में देखिए आप लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यह था आइडिया जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को बात की जाए ना,
एक तो होता है ग्रीन वेस्ट, ठीक है, जहां पे आप लोग केले के छिलके सारी चीजें जो डिग्रेडेबल सामान होता है, और दूसरा होता है यहां पर ये आप लोग देखते हैं जो प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये आप लोगों को अलग अलग करना होता है। ग्रीन में आप लोगों को ये रखना है और जो ब्लू है उसमें ये रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ग्रीन पोलिथीन और ब्लू पोलिथीन के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग ये मटेरियल रखने की बात की जाती है, कचरे वाले को भी ले जाने में आसानी होती है जो कचरा उठाने आता है, ओके, तो आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स है, उनके द्वारा जो अभी यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो विड्रॉ कर लिया, एक अच्छी बात है यहां पर। इसी के चलते हम लोगों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बारे में पता होना चाहिए, कल भी डिस्कस किया था। इसको फॉर्मेशन किया गया था 1928 में और 1930 में आकर आप लोगों को यहां पर पता है इसका नाम चेंज कर दिया था, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। सोसाइटी एक्ट के तहत इंप्लीमेंट की जाती है, 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में आज के डेट में है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन क्यों, इस ये एक फाउंडिंग मेंबर है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है, 17th लोकसभा स्टार्ट होने वाला है अभी मॉनसून सेशन। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि अपोजिशन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जनता के फायदे के बारे में डिस्कस कीजिए, ये नहीं है कि कोई ऐसा एजेंडा लेकर आना है। 10 से ज्यादा जो जवान है अभी यहां पर इंजर्ड हो गए, IED यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये ऐसी देखने को मिलती है जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली। हालांकि एक ये माइन प्रूफ व्हीकल में जा रहे थे, ये एक अच्छी बात है जिससे जान बच गई लोगों की। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है BJP की, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी JP नड्डा को अमित शाह की जगह अपना प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि मैं होम मिनिस्ट्री को ढंग से संभालता हूं, प्रेसिडेंसी मेरे से नहीं झिल रही है, किसी और को दे दीजिए। नेक्स्ट, यहां पर बात करते हैं जेट एयरवेज के बारे में, जेट एयरवेज बैंकक्रप्सी कोड में जा रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी रिजोल्यूशन कोड है उसके तहत अभी केस चला जाएगा। तो ये अभी कहानी खत्म हो चुकी है, एक टाइम पे काफी दादागिरी थी इसकी मार्केट में, आज के में कहानी खत्म है। अप्रैल 1992 में देखने को मिला, इसको फाउंड किया गया था, अपनी सर्विस स्टार्ट 1993 में की गई, बाकी 17 अप्रैल 2019 में बंद कर दी गई इसकी सर्विस। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में हब है वो इसका था अब तक, और बाकी इसके जो स्लोगन है द जॉय ऑफ फ्लाइंग, तो जॉय खत्म हो चुका है, यहां पर कहानी खराब हो चुकी है। और ये इसकी पेरेंट आज के में SBI के पास में काफी कुछ इसके स्टेक है, 51% नरेश गोयल इथाड एयरवेज और पब्लिक की शेयर यहां पर ये देखने को मिल रही है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, फाउंडर थे यहां पर नरेश जो कि चेयरमैन, ठीक है, CEO है यहां पर विनय दुबे। तो इसके बारे में ये आइडिया हल्का सा आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है IAS को जो कैडर दिया जाता है कौन से राज्य में वो जाएगा, तो वो यहां पर बेसिकली जब भरना होता है तो अभी जो कैडर पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज की गई थी राज्य के द्वारा, वो सॉरी सेंट्रल के द्वारा। हुआ क्या था, देखिए मान लीजिए IAS का आप लोगों ने पेपर दिया, सिलेक्शन होने के बाद में जब कैडर की बात आती है तो पहले क्या था, किसी भी कैडर को आप लोग भर लेते थे, यानी कि आप लोगों को जोन सा स्टेट पसंद है। अब उनको जोन में डिवाइड कर दिया है कि एक जोन में कई सारे राज्य डाल दिए गए हैं और उसी जोन में आप लोगों को लेना है, और उस जोन में राज्य अलग अलग होंगे। मान लीजिए एक तो हो गया नॉर्थ का राज्य, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट का राज्य, तो उसी में से आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसी के चलते जो यहां पर एलोकेशन हो रही है उसमें जो सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है एलोकेट करने में वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो 20 जो लोग थे यहां पर जिनका अभी सिलेक्शन हुआ था उनको कैडर दूसरा मिल गया, जो उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जबकि रैंक भी अच्छी थी, और दूसरों की रैंक अच्छी नहीं थी, उनको कैडर उनसे ज्यादा अच्छा मिल गया जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से भी यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही थी। तो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा इस कैडर पॉलिसी के ऊपर, तब देखते हैं क्या चेंज यहां पर किया जाएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है नेशनल वाटरवेज के बारे में, केरला में यहां पर ये अच्छे से वाटरवेज को डेवलप करने की बात करी है, कोवलम, ठीक है, ये एरिया को मेह से कनेक्ट करने की बात की जा रही है 2020 तक, जो कि लगभग 633 किलोमीटर है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि आज के में अगर वाटरवेज से यात्रा की जाती है वो ज्यादा आसान होती है और एक तरीके से उसमें कम पॉल्यूशन रहता है, ठीक है। बाकी यहां पर साइक्लोन के बारे में बात की जा रही है, वायु साइक्लोन, तो वो आप लोगों ने देखी ली होगी वायु साइक्लोन वाली वीडियो, किस तरीके से क्या क्या बातें हैं, तो काफी नुकसान पहुंचाने की ये बात करते हैं साइक्लोन वगैरह, तो क्या क्या कंडीशन है वो जान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बात की जा रही है 14th सेशन, जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात की जा रही है, जो कि यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ कम्बेट डेजर्टिफिकेशन, जो आप लोगों से मॉर्निंग में ही नैनो मैगजीन में हम लोगों ने डेट डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को ये बताइए ये इसकी थीम क्या थी, जो मैंने आप लोगों को 4-5 बार बताई थी, ठीक है, वो थीम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, जो कि डेजर्टिफिकेशन डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, यानी कि जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है उसकी वजह से। तो इंडिया में यहां पर ये 14th सेशन इसका देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान बोल रहा है कि वो सरपास कर चुका है जो यूरेनियम स्टॉक पाइल, यानी कि जो बॉम्ब बनाने का यूरेनियम का जो स्टॉक होता है उसको वो एक तरीके से इनरिच कर चुका है, ताकि मिसाइल वगैरह आगे बनाए जा सके, क्योंकि न्यूक्लियर डील से यूएस से बाहर हो चुका है और वो इस डील को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान भी अपना काम करेगा जो उसको करना है। सी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया में पहुंचने वाले
वाले हैं G20 मीटिंग जो कि जापान में होने वाली है उससे पहले। तो ये 2005 के बाद में फर्स्ट मीटिंग यहां पर इस तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट की यहां पर है। नेक्स्ट यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है वो चाह रहा है कि 2050 तक जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, और ये मिलकर बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। मार्शल आइलैंड के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है, और इंडिया के द्वारा अभी एक पैक्ट भी साइन किया गया था इसलिए भी ये न्यूज में था। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहां से आप लोग देखते हैं, ये हो गया बेसिकली यहाँ पर इक्वेटर के जरा सा ऊपर देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के बारे में, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें, ये है आप लोगों का क्विज, आप लोगों को बताना है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड DIPP ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जिसके अभी लोगों के बारे में बात की हम लोगों ने यहाँ पर, खासकर GI टैग के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर ये है डेक्स्टर्स, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि किससे ये निकाला जाता है, जो कि अभी जो बीमारी हो रही है बिहार में उसको ये सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनको कौन रेगुलेट करता है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इंडिया की रैंक क्या है 189 में जो यहां पर, खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इसी के साथ में जेंडर गैप में हमारी रैंक क्या है ये आप लोगों को बताना है। 2030 तक कितनी इंडिया की कंट्री है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की कैटेगरी में आ जाएगी, जिनकी 10 मिलियन से या फिर उससे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ये आप लोगों को बताना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट एक आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर डिफाइन करता है मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो आप लोगों को बताना है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो सेशन होस्ट करने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन ये कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो ये सितंबर में हमारी कंट्री में होने वाला है, तो कौन से नंबर का सेशन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, ये है राम सुभाष सिन्हा जो कि रिसेंटली फर्स्ट पर्सन थे जो कि लोकसभा के स्पीकर जो बनाए गए थे, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखते हैं। नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बात की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब इंडिया ऐड हुआ था, यहां पर जब चार्टर अडेप्ट किया गया था तो 2002 में चार्टर बनाया गया था और 2003 में अडेप्ट किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान पार्ट बने थे अस्थाना समिट में 2017 में। नेक्स्ट यहां पर G20 की मीटिंग होने वाली है ओसाका जापान के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बारे में, तो ये बात पूछी गई थी आप लोगों से। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में और जो नाम चेंज किया गया था 1930 में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है 30% ऑफ GDP का प्रोक्योरमेंट करती है, तो इसीलिए बोला गया था कि इसके लिए लॉ बनाना चाहिए हमारी कंट्री में। तो ये था आज का डिस्कशन, PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से भी और टेलीग्राम से भी, दोनों लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और थोड़ा सा लेट हो गया, कल कोशिश करूंगा कि देखिए आर्टिकल कई सारे हो गए, ठीक है, और PPT बनाने में टाइम लग गया, एक आर्टिकल आप लोगों का बच भी गया है वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।